सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से पिप कमांड का यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी सारे लाइब्रेरीज और पैकेजेस। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल के ऊपर मैं यहाँ पर सिर्फ बोल बच्चा नहीं करता, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी देता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पिप कमांड को यूज़ करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ का यूज़ करना होगा, जो कि होगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट। अब अगर आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना नहीं आता तो आप लोगों को हो सकता है पावर शेल का यूज़ करना आता हो विंडोज़ के। अगर वो भी यूज़ करना नहीं आता तो आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो ये हमारा जो टर्मिनल है वी एस कोड का उसका, ठीक है। सभी जगह आप किसी भी जगह यूज़ करो, मेथड प्रोसीजर एकदम सेम है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों ने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से डाउनलोड किया है तो आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो आप या तो वी एस कोड का या फिर सी एम डी का यूज़ कर लो। सी एम डी के लिए आप लोगों को बस यहाँ पर आके लिखना होगा सी एम डी और आपका जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। या फिर अगर आप विंडोज़ का पावर शेल सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर पावर शेल लिखोगे तो पावर शेल भी आ जाएगा। जिसे आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ, या तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर लो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है उसका, या फिर इस टर्मिनल का, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको जो उनका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है वो मिलता नहीं, क्योंकि विंडोज़ 10 में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई है अभी तक मैंने देखा है। मुझे भी ये चीज़ आई थी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कि मुझे नहीं मिल रहा था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे जाके सर्च किया था। तो उसके लिए आप लोग जनरली क्या कर सकते हो, आप लोग अपने एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर जा सकते हो, और इस नेविगेटर के अंदर जाने के बाद फिर आप लोगों को ये एनवायरमेंट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो बेस रूट लिखा है इसमें आप लोगों को यहाँ पे लिखना है और ओपन टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आप लोगों का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसका आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे अभी जो हमारा वी एस कोड का टर्मिनल है उसी को यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो उसी का मैं यहाँ यूज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे यूज़ कर सकते हो आप लोग। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर इसे एक बार रन कर देते हैं। इसे रन करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा पाइथन का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये पाइथन का टर्मिनल कौन सा है, ये जो टर्मिनल है ये जनरली हमारा जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट वाला है वही है, ठीक है। अगर आप उसे यूज़ करो या इसे यूज़ करो बात सेम ही है, बट मैं यहाँ इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को अलग अलग विंडोज़ नहीं खोलनी पड़े। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो आप लोग जनरली क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम या जो लाइब्रेरी है हम उसे इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम। अगर मुझे फ्लास्क को इंस्टॉल करना है मैं उसका नाम लिख दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये यहां पे चीज़ चल जाएगी और हमें ये रिटर्न करके दे देगा कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। क्यों, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। और ये चीज़ आपके पास भी होगी अगर आप लोगों ने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से पाइथन डाउनलोड किया होगा तो। क्यों, क्योंकि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सारे लाइब्रेरीज आप लोगों को प्री इंस्टॉल देता है अपने साथ, जिसमें से कि हैं कुछ फ्लास्क हैं आपके पास, केआरएस आ जाएगा, और साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारी लाइब्रेरीज और आ जाएगी। इलेक्ट्रिक इंटर आप लोगों को मिल जाएगा, पाई क्यूटी आपको मिल जाएगा, और ऐसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आप लोगों को मिल जाएगी। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज नहीं भी मिलती हैं, लाइक पाई गेम है हमारे पास वो नहीं मिलता हमें, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर डिजैंगो नहीं मिलता, ऐसी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हमें नहीं भी मिलती। तो हम जानेंगे कि हम उन्हें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी तो ये डायरेक्टली चल गया, बट अगर आप लोग इसे पहली बार रन कर रहे हैं तो हो सकता है ये पिप के लिए आप लोगों को एरर दे दे। क्यों, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली नहीं चलती ऐसे ज़्यादातर। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को जाना होगा अपने दिस पीसी पे। दिस पीसी को आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करोगे ऐसी कोई स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। और आप जैसे इसे क्लिक कर लोगे ये स्क्रीन, ये विंडो आपके सामने पॉपअप होकर आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप लोगों को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करना है। जैसे आपने इसे यहाँ क्लिक कर लिया आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी, और उसके अंदर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक वेरिएबल असाइन करना होगा पाथ, ठीक है। पाथ आप लोगों को यहाँ पर असाइन करना है और यहाँ पाथ आप लोगों को देना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने तो इसे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अगर आपके पास नहीं तो आप लोगों को न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप लोगों को लिखना होगा पाथ, और उसको वैल्यू आप लोगों को देनी पड़ेगी। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी पाइथन की फाइल, ठीक है। पाइथन की फाइल मतलब ये जो आप लोग क्रिएट कर रहे हो वो नहीं, पाइथन की जो ओरिजिनल है जो कि आप लोगों ने इंस्टॉल किया पाइथन, वो ओरिजिनल पाइथन आप लोगों को यहाँ पे उसकी डायरेक्टली देनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, अब मेरा पाइथन जो है वो मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं दिस पीसी पे चले जाता हूँ डी ड्राइव में, फिर फोल्डर के अंदर पाइथन के पास मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर पाइथन के अंदर मैंने स्क्रिप्ट मोड में इसे इंस्टॉल किया है, ठीक है।
स्क्रिप्ट मोड जो है वो पूरा एक्चुअली एनाकोंडा ही है, और इसके अंदर ही हमारी पाइथन की जो exe फाइल आप लोगों को दिख रही होगी यहीं पर। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है आपको कॉपी कर लेनी है। हो सकता है ये जनरली आपके सी ड्राइव में हो, अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट रखी है लोकेशन तो ये वहीं जाएगा। और फिर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू जो है उसमें आके आप लोगों इसे पेस्ट कर देना, बस इतना सा काम आप लोग करना है। और फिर ओके को प्रेस करके फिर यहाँ भी आप लोगों को ओके प्रेस करना हो। जैसे आप ओके प्रेस कर दोगे फिर यहाँ भी आप लोगों को ओके प्रेस करना है। मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी करके रखी हैं इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। और ये सब करने के बाद भी अगर उसमें एरर जनरेट करके दे तो आप लोग अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, क्योंकि जनरली ये चीज़ होती है स्टार्टिंग में, और आप जब पहली बार पाथ के वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये आप लोग को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं पिप डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार डायरेक्टली पिप चल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप बेस देख सकते हो, बेस एक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें काम नहीं करूँ, मैं यहाँ CMD में चले जाऊँ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, हो सकता है मेरे इसमें काम कर जाए। काफ़ी सारे लोग इसमें काम कर जाता है, काफ़ी सारे लोगों के उसमें काम नहीं करता। अगर मैं इसे यहाँ रन कर दूँ तो आप देख सकते हो ये एरर दे रहा है, पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। ये एरर बहुत कॉमन है, काफ़ी सारे लोग आती है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है आप लोगों को यहाँ लिखना होगा, python mpi पे लिख के फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा इंस्टॉल, और इस तरीके से आप लोग सॉरी उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ लिखना होगा pip install flask, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसे, और अगर अब मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे चल गया इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने पाइथन स्पेस और यहाँ डैश फिर एम लिखा। अब ये हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि पाइथन की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे अगर आप जाके पढ़ोगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली लिखी है कि आप लोगों को अगर पिप कमांड का यूज़ करना है तो आप लोगों को पाइथन एम का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो, लाइक आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली पिप का यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग हमारी अगली कमांड की तरफ, जिसमें कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे जैंगो को। आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग को प्रीवियस कमांड चाहिए तो, ठीक है। एरो कीज़ का यूज़ करके अपने कमांड्स वापस से यहाँ ला सकते हो। और मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे फ्लास्क की जगह लिख दूंगा डिजैंगो, ठीक है। जैंगो मैंने लिख दिया। अब करूँगा अगर मैं एंटर, तो ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट ये आपके उसमें पहले इंस्टॉल होगा, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैंगो भी लिख दिया हमने। अब अगर आप कोई और चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक आपको पाई गेम इंस्टॉल करना है, तो आप वो भी यहाँ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिख दिया पाई गेम, तो ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वार्निंग दे दी है इसने मुझे, क्यों दे दी है, क्योंकि शायद इसका कोई अपडेट आया होगा और यहाँ पे इसमें इंटरनेट अभी मेरे इसमें कनेक्टेड नहीं है। और आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर इंस्टॉल करनी होती है तो उसके लिए इंटरनेट तो ज़रूरी होता ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है तो इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। यहाँ मैं सिर्फ वार्निंग दी है इसने, एरर बाद में दिया है, ठीक है। बाद में क्यों दिया है वो भी, वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट अभी कनेक्टेड नहीं है मेरे इसमें। इस तरीके से आप लोग कोई भी एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आई एम श्योर आप लोग जल्दी समझ ही गए होंगे इस चीज़ को। और आप लोग चाहो कि आपको टेस्ट करना है कि ये चीज़ चल रही है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ लिख दो बस इम्पोर्ट, और जो भी आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है लाइब्रेरी को उसका नाम आप लोग लिखना। लाइक मैंने यहाँ जैंगो करके दिखाया था आपको, तो जैंगो मैंने लिख दिया। और अब इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ तो इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, इसने डायरेक्टली रन कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ इंपोर्ट पाई गेम करूँ, पाई गेम मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, कोई एरर नहीं देगा मुझे। पाई गेम लिख के अगर मैं यहाँ रन करूँ तो उसके बाद भी इसने यहाँ पे मुझे कोई भी एरर जनरेट करके नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ लिख दूँ नीचे आके फ्लास्क, इम्पोर्ट करूँ मैं अगर यहाँ पर फ्लास्क को, और फिर करूँ मैं यहाँ पर सर रन, तो आप देख सकते हो उसने वापस से हमें कोई भी एरर जनरेट करके नहीं दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये फ्लास्क तो आप लोगों को मिल ही जाता है अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं इंस्टॉल। नहीं पता कैसे करते हैं इंस्टॉल तो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है मैंने, आप लोग जाइए और मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहली वीडियो वही है, उसे एक्सेस करके आप लोग जान सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।